नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवीडी वॉच में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गजा ने बनने की प्रक्रिया में पहला कदम रख दिया है इस नियति ने। विनायक का शीश उनके अहंकार के कारण उनके शरीर से अलग हो गया, शरीर से महादेव के त्रिशूल ने अलग कर दिया है। महादेव महर्षि कश्यप का श्राप झेलने के लिए संपूर्ण रूप से तत्पर, लेकिन माता पार्वती नहीं थी। अब माता पार्वती ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है और शनिदेव जो कि कर्म फलदाता है उनको दंड देने के लिए आते हैं, क्योंकि शनिदेव ने सारा प्रकरण उनको समझाया और उन्होंने कहा ये जो सिचुएशन हुई है वो मेरे कारण हुई है, तो दंड अगर दीजिए तो मुझे दीजिए। तो देखते हैं कि माता पार्वती माँ गौरी क्या इस बात को समझ पाएंगी। पुत्र आघात है, जिन्होंने महाशक्ति का रूप ले लिया इस समय। पुत्र आघात है, अब पुत्र आघात में किस किस प्रकार से वो क्षमा कर पाएंगे, क्षमा कर भी पाएंगे कि नहीं, और आगे नियति की क्या योजना है। हाँ तो चलिए फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 170 पार्ट 2। नमस्तस्य 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 नमो नमः सर्वभूतेन संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य चांद देवी क्षमा, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, परंतु उसके प्रतिशोध के लिए आप किसी और माता की गोद सूनी नहीं कर सकते। शनि को क्षमा कर दीजिए देवी। हाँ गौरी, शनि ने वही किया जिसका दायित्व उसे महादेव ने सौंपा था। कर्तव्य पूर्ण करने के लिए यदि दंड दिया तो संसार के सामने क्या उदाहरण जाएगा? नहीं, शनि को अपने किए का दंड पाना होगा। ओहो। नहीं देवी, शनि को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं माता, आपके अभयदान से माता पार्वती को जो हानि हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसका परिणाम भी मुझे ही भोगना होगा। प्रहार कीजिए माता, मैं दंड पाने के लिए सज्ज हूं। नहीं भाई, मुझे संधारित कर लेंगे। ओहो, पावर अब्सॉर्ब कर ली थी, स्लो कर दिया, चोट लगी। आपने मेरा प्रहार रोका। हाँ पार्वती, शनि अपने कर्तव्य के पथ पर था, तुम्हारा प्रहार रोक नहीं सकता था, इसलिए मुझे तुम्हारे त्रिशूल की दिशा बदलनी पड़ी। पार्वती, दूसरों को कष्ट देने हमारा स्वयं का कष्ट दूर नहीं होता। शांत हो जाओ। मेरी पीड़ा तब तक नहीं जाएगी जब तक मेरे पुत्र के प्राण लौटा नहीं दिए जाते। यदि मेरा विनायक पुनः मेरे पास नहीं आया
तो मैं संसार का नाश कर दूंगी। शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए देवी। जब तक मेरा विनायक जीवित होकर मुझे माता नहीं पुकारेगा, मैं शांत नहीं होंगी। वो नियति थी माता, इसमें पूरी सृष्टि को दंड मत दीजिए। तो जाओ, मेरा पुत्र लौटा कर लाओ शनि, अन्यथा सर्वनाश के उत्तरदायी तुम होगे। गौरी, तुम जगत जननी, देव मनुष्य सबकी माता, माता कैसे अपने संतान का अंत कर सकती? अपने भाई की विनती मानो गौरी, शांत हो जाओ। इस समय मैं जगत जननी नहीं हूं नारायण, ना आपकी बहन हूं, ना महादेव की पत्नी। इस वक्त मैं केवल विनायक की मां। पुत्र शोक की अग्नि जो मेरे हृदय में जल रही है, वो सारे संसार को भस्म कर देगी। अंधा ध्यान हो गई। कुछ करिए महादेव, अन्यथा आज ही प्रलय आ जाएगी। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। परंतु क्या करूं इंद्रदेव, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निवारण ना, जिसका हल ना। नीलिमा के प्रकरण के पश्चात मैं समझ गया कि सृष्टि में सदा संतुलन रहता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया और हर शक्ति की प्रतिशक्ति होती है। तुम्हारा तात्पर्य क्या है शनि? विनायक की शीश भंग की घटना से कोई और घटनाक्रम जुड़ा होगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। कदाचित वो घटना इस समस्या का हल हो। महादेव, क्या कोई मार्ग है जिससे विनायक के प्राण पुनः लौट सके? एक मार्ग है, कैसा मार्ग महादेव? गजासुर मेरा अनन्य भक्त है, उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की मुझे प्रसन्न करने के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं गजासुर। मांगो, क्या वर मांगते हैं? महादेव, मुझे वर दीजिए, मैं सदा आपके समीप रहूं, आपके प्रेम का पात्र बनूं। तुम्हारे द्वारा मांगा गया वर अवश्य फलीभूत होगा गजासुर, परंतु उचित समय आने पर। परंतु महादेव, गजासुर के वर का विनायक के पुनर्जन्म से क्या संबंध है? संबंध है शनि, यदि गजासुर का कटा हुआ शीश विनायक के धड़ के साथ योजित कर दिया जाए तो ना केवल गजासुर को दिया हुआ वरदान पूरा हो जाएगा, अपितु विनायक भी पुनर्जीवित हो जाएगा। परंतु एक बाधा है, गजासुर को अपना शीश
स्वेच्छा से देना होगा। महादेव, यदि गजासुर अपना शीश दे भी दे, तो भी एक एक देव के धड़ पर एक गज का शीश उचित रहेगा क्या? और वो भी महादेव और मां पार्वती, देवी पार्वती की संतान पर। आप गज का शीश देख रहे हैं और मुझे उसके पीछे का महान कारण दिख रहा है। यदि गजा स्वेच्छा से अपना शीश देने को प्रस्तुत हो गए तो तीनों लोगों में विनायक सबसे अधिक बुद्धिमान और मेधावी देव होंगे। क्या वो स्वेच्छा से अपना शीश देने को प्रस्तुत हुआ तो देखिए कहानी का जिस तरीके से यहां रूपांतरण हुआ है हमारे समक्ष एक अलग ही पहलू है, क्योंकि हमने अभी तक जो कहानियां सुनी है उसमें से एक कहानी ये है कि देवताओं को यह आदेश मिलता है, स्वयं महाविष्णु जाते हैं, विष्णु देव जाते हैं साथ में, कि किसका शीश काटा जाए जो सबसे उचित हो। अच्छा, ये शीश काट के नया शीश लगाने वाली प्रक्रिया उस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि दक्ष प्रजापति का भी गर्दन लगाया गया था बकरे का, और उसके पहले गणपति जी का लगाया गया। इसमें तो ये प्रक्रिया भी रहती है कि आपको सायंकाल से पहले सायंकाल से पहले जाकर के किसी ऐसे जीव का मस्तक लेके आइए, ऐसे बालक का, ऐसे जीव के बालक का मस्तक लेके आइए जो अपनी माता से विमुख होकर के सो रहा हो, या यूं कह ले कि ऐसी माता के बालक का शीश लेके आइए जो अपने पुत्र से विमुख होकर। तो पहले देवता, जितने भी देवता जाते हैं, वो पहले देखते हैं कि कोई व्यक्ति यानी कि कोई मनुष्य का शीश। लेकिन जब सायंकाल निकट आता है तो वो जंगल में चल रहे होते हैं, उनको सहसा जो हमारे गज हैं उनके जो है बाल शिशु दिखते हैं। लेकिन ये है, होता है कि एक बार निर्णय ये लिया जाता है कि इनका सर तो नहीं काटा जा सकता, लेकिन फिर भी सायंकाल जब समाप्त होने वाला होता है तो आवश्यकता अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार इनका शीश लाया जाता है। तो अभी तो नया प्रकरण देखने को मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है ये, क्योंकि ये देखिए होता क्या है ना कि लॉजिकल जहां चीजें बैठने लगती है ना वहां अच्छा। यहाँ पे गजासुर नाम के एक हाथी का जिक्र किया गया, वो जिन्होंने तप किया है, महादेव को प्रसन्न किया है, महादेव को प्रसन्न किया है, तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक बैठ रहा है इस पूरे प्रकरण में कि हाँ उनका अगर शीश लगेगा और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दे दिया तो तीनों लोकों में गजानन जो है भगवान गणेश से महान सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मेधावी कोई नहीं होगा। तो चलिए देखने में अच्छा लग रहा है। फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड हमें यही समाप्त करना, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।